तो ये जो गाड़ी है टीवीएस अपाची आरटीआर 160 2BBS 4 बाइक है। इस बाइक का हम डिस्क ब्रेक का जो पैड है इस पैड को हम चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करना है स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये ऊपर का जो कैप है इसे कुछ इस तरह से जो है उठाएंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। ये एक फाइबर का कैप है और उसका डिस्क पैड जो है यहाँ से देख सकते हो आप एकदम ख़त्म है, पूरा जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे अभी। तो इसे चेंज करने के लिए यहाँ पे एक 22 mm का नट है, जिस नट को पहले रिमूव करना होगा। तो ये 22 mm नंबर के पाना है, तो हम इसे रिमूव कर लेते हैं पहले, लूज़ करेंगे फिर नट को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसके नट, इसकी वॉशर है और एक्सेल को जो है बाहर निकाल लेंगे। पूरा नहीं निकालना है, व्हील को आपको निकालना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्क पैड है इसे थोड़ा सा गैप कर देंगे यहाँ पे, तो कैलिपर जो है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये जो कैलिपर है वो बाहर आ गया। ओके, और ये इसके डिस्क पैड है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टच हो रहा है। डिस्क का जो प्लेट है ना जो व्हील पे लगा हुआ है वो जो डिस्क पैड ख़त्म हो गया तो वहाँ पे टच हो रहा था। तो डिस्क पैड को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक नट है, इस नट को रिमूव करते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये हो जाएगा, अगर ज़्यादा टाइट रहे तो खोलने में परेशानी होती है। तो इसके नट है ऊपर का कैप टाइप कुछ, और अंदर एक एलिंग की बोल्ट है यहाँ पे इसके अंदर, तो इसे खोलेंगे। और इसे खोलने के लिए आपको 5 नंबर के एलिंग की चाहिए, तभी आप खोल सकते हैं उस नट को। तो काफ़ी जाम है ये नट, ये खुल गया। तो इसे पूरा खोल लेना है आपको, बाहर निकाल लेना है इस पिन को। तो ये इसका नट है, देख सकते हो। तो इसे अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, यहाँ पे सैंड पेपर से अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और ग्रीस लगाएंगे, उसके बाद इसे लगाएंगे। तो इसे अब साइड में रखते हैं। और ये जो है इसके डिस्क पैड है जो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा इसमें। और यहाँ पे जो है ना मेटल पर टच हो रहा है, लोहे पर टच हो रहा था जिस कारण साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ। तो हम इसे चेंज कर रहे हैं अभी। ओके, नया लगाएंगे। और इसकी कैलिपर है तो इसे खोल लेते हैं, तो ये अलग हो जाता है कुछ इस तरह से, बाहर की तरफ खींचेंगे तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वॉशर रहती है, ये डस्ट सील, वॉशर नहीं है ये, ये रबर की है, डस्ट सील सॉरी। तो वो जो है यहाँ पे रहती है इस साइड, हाँ यहाँ पे बैठती है कुछ इस तरह से। ओके, और इसे जो है बढ़िया तरीके से क्लीन करना होगा। तो कपड़े की मदद से हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा ग्रीज अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ताकि आसानी से अंदर चला जाए, क्योंकि डिस्क पैड लाएंगे नया तो इसे अंदर थोड़ा सा पुश करना होगा। ओके, उस साइड पे ग्रीज नहीं लगाए तो कपड़ा से अच्छे से इसे साफ कर देते हैं और इसे पुश करेंगे तो अंदर जाएगा। तो ये काफ़ी जाम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा अंदर गया। ओके, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, तो इसका जो वेल का जो है ना यहाँ पे, तो वो फुल हो गया था, तो इस कारण से वो अंदर पिस्टन जो है वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो थोड़ा सा हमें वेल को बाहर निकलना होगा, फेंकना होगा। ओके, तो इसे प्रेस करते हैं तो इसका जो वेल है ना उसका वो यहाँ पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे वेल को कम कर दिया, यहाँ पे पिस्टन जब प्रेस किया तो अंदर चला गया आसानी से। ओके, तो अब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा वेल को कम कर दिया, ये अंदर चला गया। अब इसे भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे और ग्रीज लगाएंगे, ताकि अगर ये जाम हो गया ना तो आपका डिस्क ब्रेक भी जाम होगा। तो इसे अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर ग्रीज लगाना ज़रूरी है। ओके, आपको लगाना पड़ेगा। तो ग्रीज अच्छे से हमने अप्लाई कर दिया है और इसे जिस तरह से हमने खोले थे उसी तरह से हम इसे कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे, बिठा देंगे।
तो ये बैठ गया। उसके बाद ये इसके डिस्क पैड है, कुछ इस तरह से इसे लगाना है आपको। और इसकी पिन है, ये हो गया। और ऊपर का साइड और एक है ये, ओके। अब जो है इस एलिंग की बोल्ट को हम टाइट कर देंगे अच्छी तरह से, टाइट कर देते हैं अभी। ये टाइट हो गया। और ऊपर का जो छोटा सा कैप हमने खोले थे स्क्रू टाइप, तो उसे भी लगा लेंगे। उसे भी टाइट कर दिया हमने अच्छी तरह से। और यहाँ पे एक ज़रूरी, यहाँ पे जो गैप है ना, ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जाके बैठेगा मिडिल पे, ओके। तो इसे ध्यान रखना होगा आपको जब इसे कैलिपर को आप इंस्टॉल करते हो, तो आसानी से बैठ जाएगा, ओके। और उसके बाद वॉशर लगा लेते हैं एक्सेल का, उसके बाद नट। अब जो इसे टाइट कर देते हैं, और यहाँ पे 10 नंबर का बोल्ट का भी टाइट कर देंगे, नहीं तो आवाज़ करेगा। तो ये हमने टाइट कर दिया अच्छी तरह से। और एक बार ब्रेक को चेक कर लेंगे सही से लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक भी लग रहा है, काम कर रहा है, ओके। और ऊपर का जो कैप है, इस कैप को भी लगा देंगे, ये बैठ गया। तो ये कंप्लीट हो गया अभी, ओके, ये कंप्लीट हो गया। सो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।